बहुत लग गया। एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। आज फिर ये गाड़ी है हमारे साथ जिसके ओनर ये है, जो कि बुरी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं एक बार, लेकिन ये अभी भी मानते नहीं है। भाई देखो, ये व्लॉग स्टार्ट होने वाला है और देखते हैं आज के व्लॉग में क्या होता है। जीतेगी भाई, जीतना और हारना अलग जगह है, लेकिन भाई व्लॉग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो कीप वॉचिंग लास्ट तक। ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलने का। तो ये बताइए कैसा लग रहा है। हमारे साथ ये भी हैं तलाब भाई हमारे। तो हम लोग घर से निकल चुके थे, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था, तो हम निकल चुके थे रील शूट करने। काफ़ी दिन से हमने रील्स नहीं शूट की अपने इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल मिस्टर डायनामाइट 3736 करके है, उस पर आप रील्स वगैरह देख सकते हैं। तो हम उसी के लिए रील्स निकले थे शूट करने और छोटा मोटा ब्लॉग भी शूट कर लेते, और मौसम काफ़ी अच्छा था तो एक राइड का मन बन गया। और भाई जो हमारे हैं वो बोले तालाब भी चलते हैं, राइड करते हैं गोमती नगर में और चाय वाय पीते हैं। तो ये तब एक छोटी सी राइड थी, कोई स्पेशल ब्लॉग है नहीं इस पर। हाँ, कल हमारा प्लान है कि अपनी गाड़ी में थोड़ा बहुत एसेसरीज वगैरह लगवाने का, तो कल वहाँ चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो व्लॉग जो कि हम लोग का हो रहा है, मतलब रील्स वगैरह शूट हो रही है, गाड़ी वो खड़ी, एक गाड़ी ये खड़ी हमारी, जो है काफ़ी प्यारी लग रही है। एक ये लड़का है हो रही। भाई देखो, भाई की बाइक का जो अभी तक फीडबैक रहा है वो हमें मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा एवरेज दे रही है। आज भाई ने गाड़ी सर्विस कराई है, इसी खुशी में भाई उस बिल्डिंग में पार्टी दे रहा है। जितने की सर्विस नहीं दे रहा कि पार्टी हो जाए। तो भाई, तो मौसम काफ़ी अच्छा था, हम लोग निकले थे रील्स वगैरह शूट करने के लिए। दो तो तीन दिन से इंस्टाग्राम पर हम लोग रील्स शेयर कर नहीं पा रहे थे, तो रील्स हो गई थी ख़त्म। तो नए स्टॉक के लिए शूट हो गई है, बाकी अभी बची है। अब चलते हैं आगे, वरना अंधेरा हो जाएगा तो फिर वीडियो अच्छी बनेगी नहीं। फिर बात भाई, क्या होने वाला है? हम तो चेक करने जा रहे हैं कि फर्स्ट गियर में जाती कितनी है। तो चलिए गाइस, स्पीडोमीटर देख लीजिए, क्या लगता है कितनी जाएगी फर्स्ट गियर पे? मेरा प्रेडिक्शन है 120। मेरा प्रेडिक्शन है फर्स्ट पे जाएगी ये 60-70 तक, तो आराम से 60-70 120 चली गई तो नहीं जाएगी। चलो भाई ट्रायल ले लेते हैं। और ये कितनी जाएगी? ये तो जाएगी 40 तक गियर में, बस मेरी। अभी हम चल रहे हैं अपनी जीटी में, थोड़ा बहुत एक्सेसरीज लगानी, जैसे लेग गार्ड सम गार्ड ये सब है नहीं, तो गिर भी जाती है अगर कहीं तो बड़ा डर लगता है कि ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उससे अच्छा है 2-4-5 हज़ार की एक्सेसरीज हैं, चल के लगवा लेते हैं पहले। तो मेरी नीतीश भैया से बात हो गई, कह रहे हैं आइए हम एक्सेसरीज वगैरह दिखाते थे, जो पसंद है वो लगवा लीजिए, लगे हाथ एग्जॉस्ट भी देखेंगे, अगर पसंद आता है और बजट में आता है तो लगवाते हैं उसको भी। तो चलते हैं आपसे वहाँ, मिलते हैं। ये रहा रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट, आवाज़ सुनते हैं फिर कंफर्म करते हैं। ऊपर जो हमें गार्ड लगवाना है वो गार्ड क्या किया जाए भाई, अगर आ रहा है बजट में तो लगवा दिया जाए। वैसे बजट में तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, लगवाना है अपने को, ये 100% है, क्योंकि इसके बिना थोड़ा सा मज़ा आ नहीं रहा है। देखते हैं आगे पता चलता है, आवाज़ सुनते हैं पहले फिर कन्फर्म करते हैं। पहले ये रहा हमारा एग्जॉस्ट, ये भी इसमें स्टॉल ही हो रहा है, फिर आवाज़ सुनते हैं देखते हैं कैसी है। ये हमारा एग्जॉस्ट लग गया, एक बार आवाज आती है बीवी किलर के साथ। हम लोग क्या लगाने आए थे? हम लोग लगाने आए थे लेग गार्ड, लेकिन उसका आवाज़ सुनने मतलब मन तो था ही, लेकिन आवाज़ सुन ली और थोड़ा सा बजट में भी आ गया, तो उसको चेंज करो। पहले हमारा ये स्टॉक एग्जॉस्ट,
और ये डिज़ाइन में आ गया है चेंज। आवाज़ जो की है काफ़ी प्यारी, मतलब हमारा जो हम लोग गुरु सेवक बिल्डिंग वाले अब हमारे होंगे परेशान, एकदम नीचे फुटबॉल नीचे जाओ पार्किंग में पूरी पे उसमें हमारा फ़ोन जो कि गीते गीते बचा है। ये भाई हमारे चेंज कर रहे हैं, चीज़ भी अच्छे नहीं गई जल्दी। इसके बाद हम लोग लगवाएंगे लेग क्रैश गार्ड, वो काफ़ी ज़रूरी था, मतलब मेन हम लोग लगवाने वही आए थे। ये लग रहा हमारा लेग गार्ड मोटो टॉर्क का, भाई का एक और नया व्लॉग, ठीक है। ये फिर आ गया ये लड़का एमटी वाला, मोटा खर्चा हो गया भाई, इतना मोटा खर्चा करने का पहले सोचे नहीं, अब मोटा खर्चा हो गया, करने के बाद सोच रहा हूँ ना। एमटी भाई क्या लगाने आया था, फुल लेग गार्ड बस, फिर क्या हो गया, आवाज़ सुन ली उसकी, भावनाएं जाग गई, हाँ आवाज़ सुन ली उसकी। वैसे तुम्हारा डेली व्लॉग सक्सेस हो रहा है धीरे-धीरे भाई, अच्छा खासा लग जा रहा है। ये एक तरफ का लग गया हमारा लग गया, एक तरफ का भाई इधर लगा रहे हैं। ये आर रेडिस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट गाड़ी में एग्जॉस्ट लग गया, उसके बाद चलाने में जो फील आ रहा है, मतलब मैं जो फील कर रहा हूँ वो चीज़ मैं बता नहीं सकता मुझे क्या फील हो रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, जो आवाज़ आ रही है कान में ना एक अलग था उसमें रिल है, मतलब उसके बाद जो थ्रॉटल देने में मज़ा आ रहा है ना उसका मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मज़ा आ गया। हाँ बस थोड़ा सा एक चीज़ की हमें कमी है, गोप्रो लेना है, तो उस वजह से भी हम थोड़ा जुगाड़ उगाड़ लगा के चला रहे हैं बस, ठीक है। लेकिन हाँ भाई आवाज़ काफ़ी प्यारी आ रही, काफ़ी प्यारी, मतलब रेड रूस्टर लगा कर क्या ही बताऊँ, मतलब गाड़ी लेने का जो एक वो था ना कि मिशन, मतलब जो भी इसे कह लिए वो पूरा हो गया। तो आवाज़ काफ़ी प्यारी आती है, मज़ा आता है सुनने में, चलाते हुए काफ़ी, मतलब फ़ोन में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा पर ऐसे भाई मज़ा आ रहा है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं, हमारी वीडियो को शेयर करें, और किस चीज़ पर वीडियो हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी होती है कंटेंट बनाने में।